नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रधानमंत्री के संसदीय जनपद वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर फिर से बेमौसम बरसात और ओलों के चलते पूरी तरह से टूट चुकी है। दो सप्ताह के बीच में कई बार हुई बेमौसम बरसात की वजह से दलहन और गेहूं समेत मटर और सब्जियों की फसल लगभग तबाह हो चुकी है। थोड़ी बहुत बची फसल से अन्नदाताओं को कुछ उम्मीदें थी, लेकिन फिर से बेमौसम हुई बरसात और ओलों के कारण उनकी उम्मीदें जवाब दे चुकी थी। नील गाय और छुट्टा पशुओं के चलते तो किसान पहले से ही परेशान थे। उनके प्रकोप से बचकर किसी तरह से अपनी खड़ी हुई लहराती फसल को देखकर अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशी के भाव को इंद्रदेव का प्रकोप ने ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। शुक्रवार और शनिवार को ही बरसात के साथ पड़े ओलों ने अन्नदाताओं की जीविका पटरी से नीचे कर दी है। वाराणसी जनपद की बात करें तो विकासखंड चोलापुर, विकासखंड पिंडरा, विकासखंड चरई गांव समेत लगभग सभी जगहों के किसानों की यही दुर्दशा है। पड़ोसी जनपद गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत हर जगह फसलों की तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि वो बेमौसम हुई बरसात और ओलों के चलते फसलों को हानि पहुंची है उसका मुआयना कर किसानों को राहत प्रदान की जाए। साल में बेमौसम हुई बरसात का असर किसानों पर, अन्नदाताओं पर क्या पड़ा होगा? इंद्रदेव के प्रकोप का, जो उस बारिश का किसानों को कलेजे को क्या ठंडक मिली होगी, इसका जीता जागता नमूना आपके सामने पड़ा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह फसलें पूरी तरह से बेकार हो गई हैं, किसानों की आशाओं पर पानी फिर गया है। और उसके बाद रही सही कसर जो थी, अभी एक हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी तब तक किसान फिर उभरने के प्रयास में थे, उसके बाद रही सही जो कसर थी वो अभी पूरी कर दी गई है। सरकार द्वारा कौन सा मरहम लगाया जाता है और अन्नदाता जो एकदम से मायूस हो चुके हैं, किस तरह से अपनी जीविका चलाने के लिए फिर से प्रतिबद्ध हो सकते हैं, यह निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। पुलिस वाला न्यूज़ के लिए वाराणसी से प्रभुपाल चौहान।